बाकड़े है तो मैं तो जाऊँ आज अच्छी भी कुछ सकने मैंने फोन तो कर दिया तो कोई दूसरा का सो गया। आप रो मत, हौसला रखो, चार दिन मतलब चार दिन लोग क्या चुके। आप हौसला रखो। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत चक नांगल के वार्ड नंबर 2 ढाणी खेड़ा वाले में हम पहुंचे हैं और यहां पे हम बात करें कि एक नव युवक था जो घर से 3 से 4 दिन से घर से वो लापता है। हम उनके घर पे पहुंचे हैं, उनके माता पिताजी हमारे साथ, उनके माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज लगभग 3 दिन हो गए हैं, 23 से 24 साल का बच्चा युवक था, नव युवक था, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, वो घर से निकल गया है। माँ बाप आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मम्मी जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार बातचीत कर लेते हैं कि क्या हुआ, कब वो यहाँ से गए थे, घर में कुछ कोई लड़ाई वगैरह हुई, क्या मैटर था पूरा मामला, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उदयपुरवाटी के नांगल ग्राम पंचायत के खेड़ा वाले ढाणी से हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं जी। हाँ, वो कोई कुछ ही लड़ाई कौन करी हमारे सो साहब। नहीं, नाम की हो गया, रमेश नाम है, गोविंदो भी खामे तो गोविंदो ही खामन, कागजा भी को रमेश नाम है। अच्छा, बाका पिताजी को गिरदारी जी नाम बाका पिताजी को। अच्छा, मेरे के बात हुई वो के करा कुछ ही बात को नहीं पर पढ़ दियो। कितनी उम्र है बाकी? 22-23 साल को है। अच्छा, तो के करा करता पहला? अब वो पेजा पढ़ाई पढ़ी है, शिकरी पढ़े पट तो पेमटी कर रही हो, अब बैठा हूँ 2-3 महीना को बीमार हो रही, जन बॉडी मार कर आ रही हूँ, सारे दिन को रोटियां भी खाते खा लिया तो दिखा लिया है, सुख कर लियो वो डोल तो फिर तो सारे दिन, और जनाडा वो सुबह पेड़ा में बैठे हो, मैं भी नुखे भाया रोटी खा लेना, बोले मम्मी मन भूख नहीं रोटियां की, तो जब भाया तो तेरा कटिंग हो रही करा वाली ए कराया, बोले मम्मी जा रही हूँ ठीक है जना। अब वो फोन ना तो चार्ज में लगा गो छो मन तो बेरो को निकलना सी देखे, वो फोन आए भी को घंटा भर पास देना वो तो देखियो, और बोले कटिंग करा रहे भाई पीसा ही तेरे कहीं ही मम्मी मेरे को खुला भी ही और अठाऊँ के चले गो अती बात हुई हमारे साथ, तो कोई लड़ाई दंगो कुछ भी को नहीं, बीमार उम्र में भी इनको काम भी उठो, हमारा काम है ही को नहीं, जरा मैं इनके काम उठा हुआ। अब जना पा मैं तो परेशान तो रही, मैं सुबह सुन तो शाम तक यहाँ करीब आई आज जैसी उदय पर कोई बैठ गो सी बिको माथो आजकल यहीं हो रही है जना बैठ गो सी कोई घंटा भर है और पा वो आइयो ही कुछ शाम की जला मैं तो टावरा को नोड़ा सड़ा फोन करा तो फोन करा छोड़ गो कल करो आए हैं तो। अच्छा, वो अभी तक कोई सूचना को नहीं है कड़म भाई की कोई फोन वगैरह नहीं आई तक ताल तो था। तो थाने कोई पर कोई शक वगैरह थोड़ी लगे? अब मान तो शक वगैरह क्या खाई कौन लगे तो भी को के करा तो करा चाहे शांत सारे दिन मतलब चार दिन लोग क्या चुके। आप हौसला रखो, हौसला रखो, इससे करने से कुछ भी नहीं होगा, वो जरूर देखिए। आज से 4 दिन पहले एक नौजवान बेटा 9:30 के बीच में निकले हो, 9:30 हो रहा नहीं 10 बज रही थी टाइम तो मुझे किस देखियो कौन बना ती बीच में निकले हो। अच्छा अच्छा, ना मैं कोई नहीं पूछे ना मेरे बापू भी पन इको काम करी बामन आलो बताऊ ना बंद पूछे कोई भी के शास्त्र का हिसाब सुन जना बोलियो भाई बात जा लो एक मन और 3 दिन को टाइम अभी को कट्ठे घूम के वो ये शिकर दी सामने निकले चाहे तो बालाजी के जाओ और चाहे वो कोई जीन माता के जाओ साला सर बालाजी के भी चल जाए अभी की बुद्धि पट जाए वो ठेऊ निकले जना भी के वो ठेऊ तो कटिंग को नाम ले निकले थे पर वो पाछा अभी की बुद्धि पट गई कि चलना फतो कठिन जरा वो कट्ठे जास के आज जाएगा वो तो यहाँ चिंता मत करो भाई आज जाएगा। जी 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 बिल्कुल जरूर आएंगे। और अगर वो भाई हमारा ये वीडियो देख रहा है तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आपकी माताजी की हालत ख़राब है, 3 से 4 दिन हो गए आपको तो वो छोड़ गोड़े फोन कोई का भी नंबर याद को नहीं के परिवार का भी कन्ना भाई दिया दूसरा का फोन शू कर दिया और जा बन तो वो 5-7 दिन पहले खाटू श्याम जी को मेलो चाद रही हूँ अठा बोलियो मैं शिकर दिखा रहा हूँ बड़े रुको गो रात में भाई आ रही है कि बोलियो को नहीं आऊँ मम्मी मैं तो सुबह आऊँगा सुबह दूसरे दिन वो 4-5 बजे फोन करियो जना बोलियो मम्मी मैं तो खाटू श्याम जी के गई हूँ और पास शाम की उजू में 9:30-10 बजे तो उजू फोन करियो जना बोलियो मेरे फोन चीज को बाड़ा मैं तो मम्मी पैदल यात्रा ही जा रही हूँ खाटू श्याम भाई तेरी श्रद्धा को नहीं तू कहीं गई हो बैठे खेमू चले गो मम्मी अब मेरा फोन बंद हो बड़ा है मैं आ जाऊँगा कल ताई बस 4 दिन पास आए अपन जना भी मान को फोन कौन करियो वो राम को बंदो भाई अपना फोन बंद होगा तो लिया कोई पहले से टेंशन में थे ऐसा लग रहा है। हाँ टेंशन में ही हो वो अब भगवान जाने तो कोई फेट फाट हो रही है भी कह कि वो बीमार हो बस हूँ कि वो पड्डी हो जना भी कोई नंबर को नहीं आयो जना कोई गम बैठी है भी कह दिमाग में पर मैं कुछ कौन खुए भी नहीं। जी एक बच्चा है जो माँ बाप उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लगभग 4 साल तक उन्होंने पी एम टी
पीएमटी करवाई थी। पीएमटी का कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये परिवार है इतना सक्षम भी नहीं है, गरीब परिवार है। मजदूरी कर करके उन अपने बच्चों को पढ़ाया था कि डॉक्टर बनाएंगे, उनका उनमें नंबर नहीं आया, तो बच्चा पिछले काफ़ी दिनों से तनाव में भी चल रहा था। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे, पीएमटी में उनका नंबर आया नहीं। आज लगभग 4 दिन हो गए इनकी माताजी का रो रो कर बुरा हाल है, खाना तक भी नहीं खाया। जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी मुहिम से, इस वीडियो को शेयर करने से किसी माँ को अपना बेटा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिनके चोट लगती है उन्हें पता चलता है कि चोट आखिर होती तो क्या होती है। आज इन्होंने 4 दिन हो गए खाना तक भी नहीं खाया, और एक जवान बेटा घर से निकलता है तो कितनी बुरी हालत होती है। अभी तक उनका फ़ोन भी नहीं आया है। हम उस भाई से भी कहेंगे कि अगर आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा की ओर देखकर आप अपने घर पर वापस लौट आइए। जो भी समस्याएं हैं, समय रहते सभी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाएगा। संघर्षपूर्ण ज़िंदगी है, संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, परंतु इस प्रकार से संघर्ष से अगर हम छिपकर भागेंगे तो ज़िंदगी नहीं जी सकते। संघर्ष ज़िंदगी है, आप लौट आइए। अपने माता पिताजी, आपकी दादी जी सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, आपकी वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। आप मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो जल्दी अपने घर पर लौट आइए। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार शेयर कर देंगे तो आपके एक शेयर से इस परिवार का बहुत बड़ा भला भी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी मुहिमें चलाई हैं जो हमारी साबित अच्छी हुई है। सबसे बड़ी रीज़न यही रहा कि लोगों ने शेयर किया, और शेयर किया तो वो बंदा वो अपने परिवार वालों को मिल गया। आज इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद रहती है कि कब इनका कॉल आए उस उनके बेटे का, और कभी भी मतलब कोई दूसरा भी दिखता है तो इनको यही लगता है कि मेरा बेटा आ गया। बहुत बड़ी परेशानी में ये परिवार है। मेरा सभी से निवेदन है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस परिवार की सहायता कीजिएगा। और सहायता पैसे देकर नहीं की जा रही है, यहाँ से शेयर से की जा रही है। शेयर कर देंगे तो इस परिवार को जल्दी इनका बेटा मिल सकता है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पीड़ित परिवार की आप सहायता कीजिएगा। जल्दी लौट आओ। बाकड़े है तो मैं तो जाऊँ आज जी मेरे को सोकने हो मतलब फोन तो कर दे तो कोई दूसरा का सोए भैया। आप रो मत, हौसला रखो जी भाई। उनका नाम रमेश सैनी है और उनको गोविंद नाम से बोलते हैं। उनके पिताजी का नाम गिरधरलाल सैनी है। वो परसों सुबह घर से 9:30 बजे के आसपास ये बोल के निकले थे कि मैं कटिंग कराने जा रहा हूँ। उसके बाद में वो लापता है। उसके बाद में हमने एक दिन तो ट्राई किया भाई, नहीं आया होगा, किसी काम से उलझ गया होगा। उसका मोबाइल पर कॉल किया तो कॉल भी कर पड़ा था मोबाइल उसका। कल हमने FIR भी दर्ज कराई है गुमशुदा की। अभी उसकी हम भी तलाश कर रहे हैं चार तरफ, और प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, कहीं भी हो वो भी आप अपने भाई को कि भाई जल्द से जल्द घर पे पहुंच जा। यहाँ पे उनकी मम्मी दादी जी सब परेशान हो रहे हैं बहुत पूरे जी। सब रिश्तेदार जी, सभी परिवार वाले परेशान हैं। लाजमी बात है, एक बेटा घर से गया तो कैसे खाना पाएगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, हम इनके दर्द को नहीं कुरेदना चाहेंगे। जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, आप अपने घर पर लौट आइए। और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उन पे आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि इनको इनका बेटा मिल जाए। ये परिवार बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत नांगल के खेड़ा वाले ढाणी से हमने आपको लाइव कवरेज दिखाई थी, और एक पीड़ित परिवार की आवाज़ को हम सोशल मीडिया के जरिए उठाना चाह रहे हैं कि वो बच्चा है जो इनको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।